कोई कमाता है। दूसरे को कमाना सिखा देना उससे बड़ा महान व्यक्ति कोई नहीं होता। यस सर। देखो क्यों कि मैं इसलिए बोला नहीं, बार एक समय की बात है कि क्या होता था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति था। कौन था? बुजुर्ग व्यक्ति था और उसके बाद में क्या था, एक आपने देखा कि जो अनाथ बच्चे होते हैं ना, अनाथ बच्चे, क्या हुआ कि एक बच्चा सड़क किनारे मतलब रोते 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 मतलब बहुत ज्यादा रो रहा था, सही है। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति की क्या हुआ, दया आ गई। क्या आ गई? दया आ गई। और जैसे दया आए तो उन्होंने कहा यार कि क्या किया जाए क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। उसके माँ बाप ना दिखाई दे, कोई दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा उस बच्चे को उठा करके ले आया। अब बच्चे को उठा करके ले आया, उन्होंने उसकी परवरिश की, मतलब ऐसे धीरे 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 वो बड़ा हो गया। क्या हो गया? बड़ा हो गया। और बड़ा हो गया तब पहले तो वो मतलब अब गाय का दूध पीता था क्योंकि माँ तो थी नहीं, सही। अब गाय का दूध पिला करके उसको बड़ा किया उन्होंने। अब बड़ा किया और उसको क्या हुआ कि अब धीरे धीरे अपने खाना खान कर मतलब अपनी उम्र का हो गया, सही है। पर अपनी उम्र का हो गया तो भी उसको कौन, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे दादाजी, अब वही उसको तो बना करके खिला देते। क्या कर सकते, उसको बना करके खिला देते। ऐसे ही करते 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 कितना 25 साल के हो गए, कितने साल के, 25 साल के हो गए। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वही उसको खाना बना करके खिलाते थे, सही है। लेकिन दोस्त ऐसे ही करते 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 क्या हुआ कि एक समय की बात आई, ऐसी बात आई कि जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनकी क्या हो गई, तबीयत खराब हो गई। क्या हो गया, तबियत खराब हुई। अब उनकी तबियत खराब हुई तो खाना बनाने तो आता ही था उसको, सही है। जो वहाँ जो जवान हो गए थे और खाना बनाते आते हैं तो उन्होंने क्या किए, क्या कैसे कर क्या नहीं, अब खाना बनाते नहीं आता तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया। अब उनकी तबियत खराब हुई तो उसने खुद की तबियत खराब हुई, बनाते तो आता ही नहीं था, सही है। तो क्या हुआ कि जब ऐसे जब तबियत खराब हुई तो एक अंकल जी आए, बोले दादाजी एक बात बताइएगा, बोले इनको आपने बचपन से लेकर के इतना बड़ा किया, फिर इनको अभी तक इन्होंने खुद से क्या सीखा? बोले बेटा कुछ नहीं। बोले सीखने को बहुत कुछ सीखा लेकिन कुछ नहीं भी सीखा, सही। उसके पीछे वजह क्या है? तो बोले अच्छा आप मुझे बताओ, बोले आप इनको खाना को बना करके कब तक खिलाओगे? जब तक आप तब तक खिला दोगे, उसके बाद क्या होगा? बोले कुछ नहीं, सही है। तो बोले इनको खाना खिलाने से अच्छा है कि आप इनको खाना बनाना सिखा दो, सही है। अगर बुजुर्ग व्यक्ति अगर नहीं भी रहेगा तो वो खुद बना करके खा लेगा, सही बात है। तो ऐसे ही क्या है कि अपन भी अभी क्या करते हैं पता है, कि अपने माँ बाप के पैसे मतलब बाप के कैश पे ऐस करते हैं, yes, है ना, मतलब अपने माँ बाप के कैश में ऐस करते हैं, yes, yes, दोस्त कब तक करेंगे, जब तक है तब तक। लेकिन खुद कमाना सीख जाओ तो खुद में दिक्कत आएगी क्या? no, sir. तो इसीलिए मैंने आपको उनके ताली बजवाया कि वो खुद तो कमा रहे लेकिन लोगों को कमाना सिखा रहे हैं, सही है। ऐसे आज अगर बात करें दोस्त, अच्छा एक छोटी सी स्टोरी समझे? यस सर जी बिल्कुल। बहुत सारी स्टोरी है सर, सही है, बहुत मजा आया। अच्छा क्या सुनना चाहोगे? यस सर। आज तो आपको बताया एक अपन ने सर, इससे पहले आपने मुझे साथ जान भी चुकी हूँ, किसी का डबल टाइम होगा किसी का थर्ड टाइम होगा, बहुत बार जान चुके होंगे, सही है। लेकिन जो तक सीखने को मिले तो कहीं से सीखना चाहिए। मैं एक ऐसा बनता हूँ सर्किट माइंड का, अब सर्किट माइंड का पागल वागल तो नहीं हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। जो जहाँ से सीखने को मिलेगा, एक छोटा सा बच्चा भी है ना तो उससे अगर सीखने को मिले मैं सीखता हूँ, उसके पीछे की वजह ये है दोस्त, आप जितना ज्यादा सीखने उतना ज्यादा आप बिल्ड हो जाओगे, सही है। सीखता हूँ। देखो एक समय की बात है, क्या होता है कि जो कुमार होता है, कुमार सुना है आपने? yes, sir. Yes, sir. कुमार का काम क्या होता है? क्या हुआ कि एक समय की बात है, कुमार था, उन्होंने मिट्टी को उन्हें बनाया अच्छे से, सही, मतलब पहले मिट्टी बनाते उसको उसको आकार बनाते हैं, उन्होंने मिट्टी के लिए क्या बनिया उन्हें बनाया, वो क्या बना होता, सुराही, क्या बना था, सुराही। जैसे ही क्या हुआ कि जैसे सुराही बना रहा था वैसे क्या हुआ कि उधर से उसकी बोले अभी क्या चल रहा है, ठंड का समय चल रहा है, क्या बोले ठंड का समय चल रहा है, सही है। yes, तो बोले अभी बोले लोग चिलम बहुत पीएंगे, क्या पीएंगे, चिलम बहुत पीएंगे, अपनी बीटी के भी यार बोले अपन सरसा तो खूब कमाएंगे, सही है। तो क्या हुआ, ऐसा उन्होंने सोचा, मतलब सोचा विचार ऐसा आया उन्होंने, तो बोले अगर बनाना ही है तो बोले इससे अच्छा कुछ बनाओ, बोले कितने लोग पियेंगे, बोले सब लोग पी लेते हैं, बोले सही सब लोग पीतेगा चिलम, नहीं अरे आपको बोले आप चिलम पीओगे क्या, सही है। तो क्या बोले, बोले एक काम करो ना, यानी इससे अच्छा कुछ और बनाओ, सही, ठंड का समय है अभी कुछ देर में निकल जाएगा, गर्मी आएगी लोग वैसे बिना बंद कर देंगे, बोलिए ठंड के समय ज्यादा सिगरेट पीते हैं लोग, है ना, लड़के सिगरेट, और जो उड़े हैं तो वो सिगार, चिलम या सिगार या
और बोल सही है यस सर। ऐसा ही थे और बनाने से इसका कुछ अच्छा बना तो ठीक है, क्या करते हैं आप बोले एक मटका बना देते हैं। क्या बना देते हैं? मटका बना देते हैं। आप बोले ठंड खत्म होगी तो गर्मी भी आएगी, आएगी यस सर। गर्मी आएगी तो लोग पानी पीते ही यस सर। तो क्या हुआ, जैसे ही उन्हें अब उस मिट्टी को सिगार के आकार से बदल कर उसको उन्हें कार में ढाला चालू किया, मटके में, मटके में सही है यस सर। जैसे ही उन्हें मटके में ढाला चालू किया तो क्या हुआ कि मिट्टी से आवाज आई। क्या आवाज आई मिट्टी से? आवाज। मिट्टी से आवाज आई, बोले कुमार बोले आवाज कहाँ से, इधर में देखने लगा सही है। बोले घबराओ नहीं, बोले मैं मिट्टी हूँ। बोले मैं मिट्टी हूँ। तो फिर थोड़ा सा शांत हुआ। अब क्या बोले पता है, बोले आपने बोले आप तो मुझे चिरम बना रहे थे, फिर ये कैसे? तो बोले आप मेरा विचार बदल गया है। क्या बदल गया? मेरा विचार बदल गया है। विचार बदल गया है तो उसके अंदर फिर क्या आवाज आती पता है? बोले दोस्त, बोले तुम्हारा तो विचार बदला लेकिन मेरी जिंदगी बदल गई। यस सर। तुम्हारा तो विचार बदला लेकिन मेरी तो जिंदगी बदल गई। बोले कैसे? बोले अगर आप मुझे सिगार बनाते तो मैं खुद भी जलती और लोगों को भी जलाती, लेकिन आज आपने मुझे मटका बना के इतना अच्छा काम किया है कि खुद भी निर्मल जल से ठंडी रहूंगी और लोगों को जल पिला करके लोगों के मन को शांत करूंगी। यस सर। दोस्त आज ऐसे ही आपको भी यहाँ से कुछ ऐसे बदले विचार मिलेंगे, मतलब विचार बदलने का मौका मिलेगा सही है। यहाँ से आपको लोग विचार तो बदल देंगे लेकिन आपकी जिंदगी आप बदलना आपके हाथ में सही है। तो ऐसे ही आपने सुना होगा कि यार लड़के तो बहुत कुछ कर लेते अपने लाइफ में सही सुना है ना, लड़के तो बहुत कुछ कर लेते अपने लाइफ में लेकिन लड़कियों को कुछ करने का मौका नहीं मिलता है। यस सर। मिलता है क्या? तो कि लड़कियों की एज ग्रुप होती है ना 18, 19, 20, इससे ज्यादा उनको कहीं नहीं जाते, बस 20 साल के अंदर अंदर उनकी शादी कर दी जाती है सही है। लड़कियों को क्या बोला जाता है पता है? बोले कहाँ करेंगी शादी, होने के बाद तो ससुराल जाने की सही है। बोले कमाएगा खिलाएगा पाल भी देगा सही है सर। यस सर। सही। लेकिन दोस्त आज अगर देखे तो आपने एक बात ये भी सुनी होगी कि बोले हर किसी व्यक्ति की सफलता के पीछे एक लड़की का हाथ होता है, सुना है ना? बोले हर किसी की सफलता के पीछे एक लड़की का हाथ होता है। आप ये समझ क्या रखे हो, स्टोरी स्टोरी सुन रहे बस मजा बहुत आता है। यस सर। आपको आए ना नहीं मेरे को पता है सही। तो बोले अब बोले सर लड़की का हाथ जब होना जरूरी थोड़ी है, लेकिन दोस्त अगर बात करें लड़की की तो अपनी माँ भी कभी लड़की थी। यस सर। सही है। अगर आप इस दुनिया में आए हो तो उसके पीछे भी एक लड़की का ही हाथ है सही है। तो दोस्त आज ऐसे ही आपको यहाँ से सीखने का मौका मिलेगा एक मैम की वजह से, जिन्होंने छोटी सी उम्र, छोटी सी ज्यादा उम्र नहीं सही है, जिनके पेरेंट्स भी नहीं लेकिन हाँ छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना बड़ा मौका हासिल किया है, जिनकी अगर बात करें तो आज एक इंसान सोचता है कि यार कि क्या करेगी लड़कियां सही है, कुछ नहीं सही है। कुछ लड़के होते कि इस एज ग्रुप में क्या करते होते, मार्केट में घूमना फिरना टाइम पास करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता है। एक छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मौका हासिल किया है सही। उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनेंगे अब मैं क्या बताऊँ उनके बारे में सही है। क्या सुनना चाहोगे? रियल में एक्साइटेड हो? क्या चाहते हो क्या करने की? रियल में जब एक लड़की कर सकती तो हम भी कर सकते हैं। पता होना चाहिए रियल में करते क्या है। आपकी स्टैंडिंग ओवेशन विद क्रैकर क्लैपिंग के साथ मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। एक बार खड़े होकर थोड़ा सा तालियां बजाएं उनके लिए।